नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल सियाराम स्टॉक्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, जो मैं आज आपके लिए शेयर लेकर आया हूँ, ये एक इलेक्ट्रिक सेक्टर का शेयर है। जैसा आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये एक इलेक्ट्रिक सेक्टर का शेयर है जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये एक रुपये पर भी आया था। जी हाँ, ये शेयर एक रुपये पर भी आया था और ये अब इसी वजह से कोहराम मचाने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसे जितना खरीद सको आप उतना खरीद सकते हो। जैसा आप देख सकते हैं, सोलर शेयर है एक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक रुपये भी ये शेयर आया था और अब ये आने वाले समय में कोहराम मचाने वाला है। इसीलिए कह रहा हूँ जितना इसे आप खरीद सकते हैं इसे खरीदें। एक बात और दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि हम ट्रेडिंग पर भी वीडियो बनाएं, तो दोस्तों मैं ट्रेडिंग को कभी सपोर्ट नहीं करता, मतलब ट्रेडिंग को इतनी ज़्यादा वैल्यू मैं नहीं देता। मैं इसीलिए उस पर वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, क्योंकि देखो जो ट्रेडिंग होती है ना, या तो आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं, है ना। अदरवाइज़ आपको अगर ट्रेडिंग करनी है ना, तो आप अपनी जो पैसे हैं उसका 10% से ट्रेडिंग कीजिए और 90% इन्वेस्ट कीजिए। यानी अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप 900 रुपये इन्वेस्ट कीजिए और 100 रुपये से ट्रेडिंग कीजिए सीखने के लिए, वो भी। ये तो सही है, लेकिन अगर आप जल्दी पैसा कमाने के लिए ये सोचें कि 100 रुपये इन्वेस्ट करूँ, 900 रुपये से ट्रेडिंग करके जल्दी पैसा कमा लूँगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है। आप और कुछ नहीं होगा, अगर आप 900 रुपये से ट्रेडिंग करेंगे और 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली लूट जाएंगे। आप डेफिनेटली शेयर मार्केट में लूट जाएंगे और आप जो शेयर मार्केट में लोग पैसा गंवा देते हैं आप उसी श्रेणी में आ जाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप, इसीलिए मैं कहता हूँ जो मैं आपके लिए शेयर लेकर आता हूँ आप उसे एनालाइज़ करें, उसे देखें, या खुद भी इन्वेस्ट करने के लिए अपने आप से शेयर देखें, उन्हें एनालाइज़ करें और उसमें पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आपको ट्रेडिंग करनी ही है तो आप अपने पैसे का केवल 10% से ट्रेडिंग करें, जिसका आप, अगर आपको लॉस भी हो जाए तो आपको कुछ इतना दुख ना हो, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा लोग पैसा गंवाते हैं ना, वो ट्रेडिंग में ही गंवाते हैं। शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आपने इन्वेस्ट किया और वो अभी शेयर नीचे आ गया, आपको वेट करना पड़ेगा 6 महीने, लेकिन आपका पैसा डूबता नहीं है। इसीलिए मैं इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा जोर देता हूँ। तो चलिए, हम पहले आज आपको अपने शेयर की तरफ लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रेडिंग जो है ना, वही बंदा पैसा कमा सकता है उस चीज़ से जिसे 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो। अब जिसे 4-5 साल का एक्सपीरियंस होगा, आप खुद सोचो वो यूट्यूब पर क्यों आएगा। वो YouTube पर नहीं आएगा सीखने के लिए। YouTube पर वही बंदा आता है जो बिगनर होता है। और मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ व्यूज़ के लिए किसी बिगनर को मिसगाइड कर दूं कि आप ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा सकते हैं, मेरे को व्यूज़ मिल जाए, मेरा काम ख़त्म। वो सब मुझे नहीं करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रेडिंग से आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब अगर आपको एक्सपीरियंस हो चुका हो 3-4 साल का। मैं कुछ व्यूज़ के लिए आपको कुछ बता दूँ, मेरे को व्यूज़ मिल जाए और आपका पैसे का लॉस हो जाए, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप एक मिनिमम अकाउंट या मिनिमम अमाउंट, यानी 10% अपने मनी का उससे ट्रेडिंग करें, ताकि आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो। और जब आपको 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, आप पैसा कमाने लगें, तब वहाँ से वो बेनिफिशियल है। चलिए, तो हम पहले अपने शेयर की तरफ चलते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, जो शेयर का प्राइस है वो अभी 6.25 रुपये है और इसने हमें ऑल टाइम में -79.67% का लॉस किया, यानी अपने लगभग न्यूनतम पर ही होगा जब इतना लॉस कर चुका है ये। तो अब पहले मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने अपने थंबनेल में डाला था कि शेयर 1 रुपये तक भी गया था, यानी 1 रुपये का भी मिल रहा था। अब आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये। देखिए, शेयर 1.5 रुपये के आसपास तो 2020 में ही था, वहीं 2018 में ये शेयर 1.75 रुपये और 1 रुपये तक भी ये शेयर जा चुका है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, शेयर 2019 में 1.15 रुपये, 1.05 रुपये तक भी गया है। तो वही मैंने अपने थंबनेल में डाला था। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, जो अभी शेयर का प्राइस है वो 6.25 रुपये है। शेयर अब नीचे आना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी शेयर और नीचे आएगा। ये 6.25 रुपये का शेयर है, ये अभी कम से कम 4 रुपये तक आपको मिल सकता है आने वाले समय में। पहले मैं आपको इसके फंडामेंटल्स चेक करा देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं, कंपनी जो वो 4,318 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये चीज़, 4,318 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है।
कंपनी का जो शेयर का करंट प्राइस है वो 6.30 रुपये है। वहीं आप इसकी बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू 15.02 रुपये है, यानी जो शेयर का प्राइस है उससे बुक वैल्यू लगभग दुगने से भी ज़्यादा, 2.5 गुना आप कह सकते हैं इसका शेयर की वैल्यू जो है 2.5 गुना है। फेस वैल्यू 10 रुपये, लगभग दुगनी इसकी फेस वैल्यू है, लगभग मैं ये नहीं कह रहा हूँ दुगनी है, लगभग दुगनी इसकी फेस वैल्यू है, 1.5 गुना से तो ज़्यादा ही है। उसके बाद हम कंपनी के कुछ प्रोज दिखाने की कोशिश करें आपको। जैसा आप देख सकते हैं स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.42 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी वही जो मैंने आपको बताया जो लगभग 3 गुना इसका जो शेयर है वो ऊपर है, मतलब नीचे है बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू ज़्यादा रहा। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, यानी कंपनी एक और अच्छा क्वार्टर देने की उम्मीद है कंपनी से। पीयर कंपैरिजन में देखें, जैसा आप देख सकते हैं जो जो ये कंपनी है वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पावर जनरेशन एंड सप्लाई इंडस्ट्री की ये कंपनी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपनी किन किन के साथ कंपेयर कर रही है अपने आपको, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, NTPC, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अपने आपको कंपेयर कर रही है। उसके बाद हम क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो कंपनी की सेल देख सकते हैं आप, कंपनी की सेल लगातार अच्छी बनी हुई है। पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी की सेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है, जैसा आप देख सकते हैं 1,406 करोड़ की जो इस वाले क्वार्टर में कंपनी की सेल हुई है। अगर मैं आपको थोड़ा और दिखाऊं तो कंपनी ने ईयरली में भी देख सकते हैं आप, कंपनी की जो ईयरली सेल होती है उसमें भी पिछले साल के मुकाबले कंपनी की 1,300 करोड़ की सेल बढ़ी है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 1,300 करोड़ की सेल कंपनी की बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले, तो ये साफ जाहिर करता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा करने वाली है। कंपनी का प्रॉफिट भी देख सकते हैं आप, इस साल 107 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से कंपनी की हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 24% प्रमोटर्स होल्डिंग है। हाँ प्रमोटर्स होल्डिंग कम है, लेकिन आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी पैसा लगा हुआ है, 23% डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा है, वहीं 1% के आसपास फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी पैसा है। तो मैं यही कहूँगा कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगभग सभी लोगों ने यानी प्रमोटर्स और पब्लिक के अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं इस कंपनी में, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हैं, तो कंपनी को कहीं नहीं जाने वाली है। कंपनी आपको ऐसा नहीं होने वाला है कि 6.25 रुपये इसका अभी का प्राइस और एकदम से ये 1.50 रुपये के आसपास चली जाए। कंपनी की मैं बात करूँ आपको किस प्राइस रेंज पर ये ख़रीदना चाहिए, कंपनी आपको 4 रुपये के आसपास ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, वो एक आइडियल प्राइस होगा इसे ख़रीदने का। तो आपका जो परचेजिंग प्राइस होगा वो 4 रुपये होगा। उसके बाद जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आपको इससे चलना है, और वहीं आपको जो टारगेट रखना है वही मैं कह रहा हूँ मल्टीपल, यानी आपको 2x या 3x यानी दुगने या तिगने तक का ही इसमें स्टॉप टारगेट अपना रखना है। यानी आप 4 रुपये पर ख़रीदेंगे तो आपको 12 रुपये या 16 रुपये के आसपास ही अपना टारगेट रखना है, उस प्राइस रेंज पर जाके आपको इस शेयर को बेच देना, यानी यहाँ से निकल जाना है इस शेयर से जब आपका टारगेट पूरा हो जाए 12 रुपये या 16 रुपये। तो दोस्तों जिस कंपनी की हम बात कर रहे थे वह जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड कंपनी है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड कंपनी है जो कि एक पावर सेक्टर की कंपनी है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अन्य आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन समय रहते आपको मिल सके। धन्यवाद।